अरे अभी तक तैयारी नहीं हुई तुम लोगों की। हाँ, पहले ये तो बताओ तैयारी करने किसकी है, खाने की या नाचने की? अरे बताया तो था तुम दोनों को, दोनों की करनी है, क्यों क्यों नहीं अब तक? इमरान, हम कंफ्यूज हो गए थे, आखिर खाने और नाचने में कनेक्शन समझ ही नहीं आ रहा है। जब कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो तैयारी क्या घंटा करेंगे हम, है ना? जबान पे काबू। अरे वही बताने के लिए तो हम ये शो बना रहे हैं, बेक डांस। मिस्टर डिक्शनरी, पहले स्पेलिंग सीख जाओ, बेक डांस नहीं ब्रेक डांस होता है। वो होता होगा, अपना तो बेक डांस है। लगता है इसका पूरा सिस्टम मिल गया। एनीवेज, ये जो तुम्हारा ब्रेक या बेक डांस वगैरह जो भी है, कुछ गाने की तैयारी करी है? कॉपीराइट लिया कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। कॉपीराइट? वो क्या, अपन तो अपना ओरिजिनल करेंगे ना। क्या करोगे ओरिजिनल? ओरिजिनल आजकल सुनता ही कौन है। यू नो, डू वन थिंग, जिस कंपनी का ये शो है ना उसके पैरों में गिर जाओ, तरस खा के एक आध गाना तो मिल ही जाएगा। तब तक ना चक्की में आटा पीसते रहो बेटे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है इमरान सैयद और मैं अपने ही बीच में से हूँ, छोटा मोटा सा डांस कोरियोग्राफर जिसका काम है नाचना और दूसरों को नचाना। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बड़ा ही ताजा और फ्रेश कॉन्सेप्ट, बेक डांस। नो, इट्स नॉट ब्रेक डांस, इट्स बेक डांस। अब आप सोच रहे होंगे ये किस नई बला का नाम है, तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट का जमाना है, एक आधा हमने भी कर लिया, बेक प्लस डांस। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों में रिश्ता क्या है? बड़ा ही सिंपल, शादी ब्याह वगैरह में आप क्या करते हैं, खाना पीना और नाचना। त्योहारों में आप क्या करते हैं, खाना पीना और नाचना। पार्टी वगैरह में आप क्या करते हैं, वही करते हैं ना, तो आप समझ गए ना। और ये कनेक्शन कोई नया कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही पुराना कनेक्शन है। ये तब की बात है जब हम इंसान जंगलों में रहा करते थे और पत्तों के कपड़े पहना करते थे। हाँ, ये तब की बात है। होता यूं था कि सारा कबीला इकट्ठा हो जाता था और हंसते नाचते गाते खाना बनाया करते थे और मिल बांट के खाने का मजा लिया करते थे। और इन लड़कियों को कनेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा। अरे यार, गूगल का जमाना है आजकल, तो दिमाग लड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सर्व करो, सर्च करो, सब समझ में आ जाए। अब खैर, काफी काम बाकी है, चलो सामान लगाओ। हाँ तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे शादी ब्याह पार्टी वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन घर पे बेकिंग और डांसिंग का क्या लेना देना? लेना देना है। वो कैसे, आइए बताता हूं। तो आज हमें कुछ बनाना है। बनाना क्या बनाना है? बनाना से याद आया, आज हम बनाना का ही कुछ करते हैं। आज लाइफ में बनाना केक करते हैं, जिसको बनाना ब्रेड भी कहा जाता है, क्योंकि बनने के बाद वो ब्रेड के लोफ की तरह दिखाई देता है। तो बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले चीज चाहिए वो है बनाना। सॉरी, आप लोग गलत मत समझिएगा, एक्चुअली टेबल रह गया था यहाँ पर, वहाँ किसी ने केला रख दिया था, ये एक स्पूफ था। तो खैर, केला, वो भी अकेला नहीं, हमें चाहिए इसके साथ और तीन केले, टोटल चार केले पके हुए। इतने पके हुए कि दो तीन दिन और रखो तो सड़ जाए, लेकिन हमें सड़ाना नहीं है, उसके पहले इसको इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए दो अंडे कच्चे, एक चौथाई कप शहद, एक चौथाई कप दूध। अब दूध चाहे गौ माता का हो या बादाम या सोया का, आपकी मर्जी। फिर हम लेंगे एक चम्मच फ्लेवर, सिनेमन, चॉकलेट, जो भी आपका मन करे वो। दो कप ओट्स का आटा, ध्यान रहे हम यहाँ मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शो का फंडा है हेल्दी बेकिंग, नो मैदा नो शुगर। फिर हमें लेना है एक चम्मच बेकिंग सोडा, एक चौथाई कप अखरोट, दो चम्मच फ्लैक्सीड, स्वाद अनुसार नमक,
और उसके बाद आखिर में दाल चीनी। दाल और चीनी नहीं, दाल चीनी, कमाल करते हो यार तुम। सिनेमन लाओ, सिनेमन। खैर, सारा सामान तैयार है, अब हम करेंगे इसको बनाने की तैयारी। लेकिन आज इस तैयारी करने में मेरी मदद करेंगे मेरे दो खूबसूरत सी एसोसिएट्स, हैना एंड नेहा। वैसे तो इसको लगभग बनने में लगेगा 10 से 12 मिनट और पकने में यानी कि बेक होने में 40 से 45 मिनट, लेकिन एक घंटा ना आप हमें झेल पाएंगे ना हम आपको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, क्योंकि इस शो में वो बात कहा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने बेकिंग अवन को 175 डिग्री पर प्री हीट कर देनी है और उसके बाद अपने जो भी बेकिंग ट्रे है उसको ग्रीस कर देनी अच्छे से, ताकि हमारा बनाना ब्रेड पे चिपके नहीं बल्कि आसानी से निकल जाए। तो हम शुरू करते हैं। इसके दो भाग हैं, एक गीली और दूसरी सूखी, वेट एंड ड्राई। सो लेट्स ट्राई, कम ऑन, लेट्स सी। तो हम यहां लेते हैं एक बोल, दो बोल। पहले शुरू करते हैं हम गीली से, लेट्स गो विद अ बिगर बोल। हमको लेना है यार 4 केले, छील के इसके अंदर डाल देने हैं। केले हम खा के फेंक देते हैं, लेकिन इसके और भी काफी फायदे हैं, छिलके के खास करके। हाँ, मतलब किसी को गिराने के अलावा भी। हाँ, गिराने के अलावा भी, और नेहा ये काम तू ही कर सकती है, गिराने का काम। केले के छिलके अगर आप ना फेंके और उसके छिलके के अंदर को अपने दांतों से लगा के रगड़ें तो आपके दांत साफ हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है पोटेशियम। कितने लोगों को पता नहीं है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तभी मैं कहूँ तेरे दांत, उसके अलावा दांत और जूते भी, मेरे जूते भी चमकते, देखा तुम लोगों ने। अब हम केलों को मैश करेंगे, पूरा टोटल टोटल मैश जैसे आलू की तरह। इसको अच्छे से आपको मैश कर देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 अंडे, यहां से, यहां से। ओह माय गॉड, ओह नो, ये क्या किया? इट्स ओके इमरान, काम डाउन। अरे कोई बात नहीं यार, किचन में गलतियां होती रहती हैं, है कि नहीं? यार गलतियां नहीं करेंगे तो आदमी करेगा कैसे, सीखेगा कैसे, नाचेगा कैसे, गाएगा कैसे? दूसरे अंडे, दूसरे अंडे, ये रहे। नहीं तो पड़ेंगे मम्मी के डंडे। दो अंडे आप इनको कर देना हमको मिक्स, फिर हम करेंगे थोड़ी देर में इसको फिक्स। इसके बाद हमें डालना है 1/4 कप शहद, क्योंकि हम इसमें शक्कर इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा फंडा हेल्दी बेकिंग। खूबसूरत लग रहा है, हमारी तरह है ना, है ना? बिल्कुल है ना, हनी। फिर इसमें हम डालेंगे दूध, 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 दूध है, दूध है, वंडरफुल। उसके बाद हमें डालना है फ्लेवर, ये हम यूज कर रहे हैं, कौन सा फ्लेवर है? वनीला, आई थिंक सो, वनीला, यस, माय फेवरेट। वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्रूट फ्लेवर, वनीला। तो ये रहा हमारा वेट बैटर, वेट इंग्रेडिएंट। अब हम जाएंगे सूखे की तरफ। तो अब ये करना है कि आपको एक साथ सूखों को एक साथ मिक्स कर देना है। कैन पास मी द बोल। यहां हम लेंगे 2 कप ओट्स, एक स्पून के साथ। वेरी गुड। अगर नेहा नहीं होती तो शो का क्या होता? आई नो, अच्छा ही होता, दुनिया का भी क्या होता। ओट्स के बाद हमें लेना है 1/4 कप अखरोट, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच फ्लैक्सीड और सिनेमन, दालचीनी। सारा को एक साथ मिक्स कर दीजिएगा। याद रखें मिक्सर एकदम ठीक से हो, क्योंकि अगर बेकिंग सोडा कहीं एक जगह पर रह जाए तो आपका केक जहाँ नहीं चाहिए वहीं से भी फूलना शुरू हो जाए। इमरान, टू मच, या आई नो। तो हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स दोनों तैयार है। अब हमें इसको करना है स्टैंड मिक्सर में फिक्स और ये हो जाएगा मिक्स। इज़न्ट दैट सिंपल? वेरी, इतना आसान बेकिंग। सीरियसली, मैंने, मेरे को तो बहुत टफ लगता था, बट अरे हर चीज देखने से टफ ही लगता है। तू भी है कि नहीं? मैं भी देखने में टफ ही लगता हूँ, हूँ भी टफ। ये बैटर मिक्स करना है। okay. अब हम करेंगे स्टैंड मिक्सर में। वैसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, विप भी कर सकते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी हमारे पास कुछ है तो क्यों ना हम स्टैंड मिक्सर में करें, है कि नहीं? क्यों ना हम नाचते नाचते मिक्स करें? Yes, with dancing, that's the fun of our show, isn't it? आपके लिए
नाश्ते नाश्ते हमारा घोल तैयार हो गया है जो कि है बैटर। अब हम इसको लेंगे और डालेंगे सेकने की थाल में जो है बेकिंग ट्रे जो पहले से ही हमने ग्रीस कर दी है। और नेहा इतनी होशियार है, मुझे पता नहीं था, उसने इसको बेकिंग पेपर से भी सजा दिया है ताकि वो चिपके नहीं। देखिए कितना खूबसूरत बैटर, स्मूथ स्मूथ एज सिल्क बिकॉज इट हैज मिल्क। और इसको टैप कर दें ताकि ये चारों कोनों में फैल जाए, सेटल हो जाए। अब खैर हमारा बैटर तैयार है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी है, टेस्ट भी अच्छा ही होगा, तो क्यों ना हम इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करें। Like? Let's add some choco chips. Oh, yum. ये पहले से ही है यहाँ पर, किसी को पता भी नहीं। खा सकते हैं लेकिन बाद में, पहले हम इसको सजा सकते हैं। Wow. For better future. इसको फिर से डाप कर दें। ये है हमारा बैटर जो रेडी है, अब ये जाएगा बेकिंग ट्रे में जो ऑलरेडी प्री हीटेड है। तो अब मैं इसको डालूंगा, तब तक आप वेट कीजिएगा। जब तक यहाँ होगा कुछ बेकिंग, हम करेंगे कुछ डांसिंग, लेकिन उसके पहले मैं एक बहुत ही क्विक रिकैप दूंगा अपने अंदाज में। तो लेट्स हिट द म्यूजिक डीजे, 1 2 3 4। सेकेंड टाइम डांसिंग, देखिए डांस करते करते बॉडी बेक हो गई। तो मेरे ख्याल से हमारा केक भी बेक हो चुका होगा। yes. तो क्यों ना हम टेस्ट करते हैं। yes, yes, निकाल yes, के yes. देखो तो सही कैसा बना है। Come on. Here we go, गरमा गरम बनाना ब्रेड। Wow. Oh wow. Oh wait. This looks yum. Here you go. Wow, brilliant, नेहा. And अब पहले हम दिखाएंगे बनाना ब्रेड अपने दर्शकों को, ऑडियंस, ऑडियंस व्यू। अच्छा अब इसको बारी आती है टेस्ट करने की। वैसे खैर अगर बनाया मैंने है तो मुझे ऐसे भी अच्छा लगेगा, और तुम दोनों साथ में मेरे नाच ही रहे हो, तो क्यों ना हम किसी और को बुलाएं टेस्ट करने के लिए। ओके, आज आज हम अपने डायरेक्टर को बुलाते हैं, विनीत। प्लीज यार इधर आओ, आ जाओ विनीत। ये है हमारे डायरेक्टर साहब विनीत। विनीत कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा हमारा पूरा बेकिंग डांसिंग देख के? मजा आया? मजा तो आया, अब देखते हैं टेस्ट कैसा कैसा बनाया, कैसा टेस्ट है। जरूर अब हम आपको खिलाएंगे, फिर आप हमें बताना। पर अब तुम पहले मुझे केक खिलाओगे फिर मुझे नचाओगे भी? अरे यही तो फंडा है अपने शो का, खिला कर नचाना। और वैसे भी बीवी के इशारों पे तो नाचते ही रहते हो ना यार, हमारे साथ भी नाचो। खिलाओ खिलाओ भाई, इशारों पे भी नहीं, हम बोल रहे हमारे साथ नाचो। तो ये जाएगा पहला स्लाइस फॉर विनी। छोटा दो इसको, छोटा। अरे छोटा ही खा लो यार, टेस्ट करके बताओ। टेस्ट करते हैं। तुम तो डायरेक्शन करते ही हो, शायद हमारा डायरेक्शन तुमको पसंद आ जाए। जरा खा के बताओ कैसा लग रहा है। कैसा है? वेरी नाइस। क्या बात है, बोला था ना मैंने। yes, yes. नाश्ते नाश्ते खा भी लिया। अच्छा टेस्ट तो ठीक है। हाँ लेकिन इस एपिसोड का पेमेंट कब दे रहे हो? पेमेंट? अरे इमरान
किधर गया? जब पैसे देने की बारी आई तो गायब हो गए। खैर, पैसे मिले ना मिले, शो तो बनता ही रहेगा, और हमें इस शो में पैसे से ज़्यादा आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर की ज़रूरत है। तो आप तो जानते ही हैं, सब्सक्रिप्शन एक वोटिंग की तरह होता है। अगर आपको हमारी पार्टी पसंद आई हो तो घंटी वाला बटन दबा दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ अगला एपिसोड देखने के लिए। गुड बाय।